आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। होना, होने पर कुछ सेंटेंस लिए हैं मैंने। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। तो मौसम के लिए, इन चीजों के लिए, जैसे बर्फ का गिरना है, बरसात का होना है, इन चीजों के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात मौसम के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। बादल गरज रहा है, इसके लिए भी इट का ही प्रयोग होगा, मौसम के बारे में है। इट इज थंडरिंग, इट वॉज थंडरिंग, बादल गरज रहा था। इट वॉज थंडरिंग, इस तरीके से आएगा, थंडर माने गरजना। बर्फ पड़ रही है, इसके लिए भी इट आएगा। इट इज स्नोइंग, बर्फ पड़ रही थी। इट वॉज स्नोइंग। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क। गेटिंग की जगह ग्रो शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क या इट वॉज ग्रोइंग डार्क। सवेरा हो रहा है या सवेरा हो रहा था। द डे इज ब्रेकिंग, सवेरा हो रहा है। वाज लगा दे, सवेरा हो रहा था। आई एम गेटिंग लेट, अरे मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही थी, इसकी जगह वाज लगा दो। मुझे देर हो जाएगी, आई विल गेट लेट, विल गेट लगेगा। कीप टू द लेफ्ट, बाई ओर चलो, सड़क पर हमेशा बाई ओर चलो। वेट ए लिटिल लॉन्गर, अरे बस जरा सी देर और रुक जाओ। वेट ए लिटिल, प्लीज कृपया जरा सी देर और रुक जाओ। प्लीज वेट ए लिटिल लॉन्गर। आई हैड बीन लॉन्ग इन बेड, देखे कितनी बढ़िया अंग्रेजी है ये, मैं देर तक सोया रहा। आई हैड बीन लॉन्ग इन बेड, बहुत देर तक मैं बेड में रहा, बिस्तर में रहा। आना है तो आओ, ना तो भाड़ में जाओ। कम और गो टू हेल। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।